हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ गई हूँ। यह खेल मनोविज्ञान के पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान से क्वेश्चंस हर बार भर भर के होते हैं, इसलिए इस टॉपिक को कभी मिस मत कीजिएगा। एंड जितने भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सभी टॉपिक को मैं निचोड़ निकाल दूंगी प्रैक्टिस करा करा के। एंड जैसा कि अभी आप EMRS का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका एग्जाम होगा, उसका तैयारी मेरे चैनल से कर सकते हैं। एंड BP जैसे कि बिहार स्टेट का अब रिजल्ट आने ही वाला है, कल या परसों आ ही जाएगा, तो BP जो भी पास होगा और नहीं भी होगा वो भी तैयारी किसी अन्य एग्ज़ाम की करेगा। तो BPSC जो जल्दी से एग्ज़ाम ले लेगा फिजिकल एजुकेशन की, तो उसकी तैयारी भी यहीं से आप कर सकते हैं। पूरा एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करूंगी और उसका MCQ भी पूरा फोड़ दूंगी। एक एक क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिस नहीं होगा। तो दोस्तों, चाहे EMRS का प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार या स्टेट BPSC या UPTGT, UPLT ग्रेड, मध्य प्रदेश वर्ग 2-3 फिजिकल एजुकेशन टीचर या अदर स्टेट के TGT PGT, सभी के लिए मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन, MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी प्रकार के चीज़ें डिटेल में बताया गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट कीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और अपना सेल्फ स्टडी भी करिए। तो चलते हैं समय नष्ट न करते हुए आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का स्वरूप होते हुए भी एथलीट में अन्य संबद्ध कारक होते हैं। सर्वोत्तम कार्य निष्पादन तब होगा जब चिंता का स्तर होगा। चिंता यानी कि वहाँ पे चिंता करने की बात नहीं हो रही है, उस कार्य के बारे में सोचने की बात हो रही है। तो यानी चिंता का स्तर जो है वो मध्यम होना चाहिए हमेशा। यानी खिलाड़ी में चिंता किस चीज़ की होती है? अक्सर होती है हार या जीत की, हारेंगे या जीतेंगे, कैसा स्तर होगा। कार्य स्तर यदि अधिक होता है तो खिलाड़ी का प्रदर्शन कम हो जाता है। ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो वो स्तर जो है, प्रदर्शन का स्तर, परफॉर्मेंस स्तर जो है वो कम हो जाता है। यदि खिलाड़ी द्वारा कार्य का निष्पादन या प्रदर्शन अच्छा तब होगा जब खिलाड़ी की चिंता का जो स्तर होगा वो मध्यम होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया है जो नई सोच व मूल्यों का व योग्यता की समझ का निर्माण करती है, किसका कथन है? तो ये जो परिभाषा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, यही परिभाषा आपको पूछे जाते हैं। इन सभी परिभाषाओं को आप कंठस्थ कर लीजिए। क्या है कि व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी में जो चेंजेज होते हैं वही सीखने की प्रक्रिया है, जो नई सोच व मूल्यों व योग्यता की समझ का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? तो HC मोरिसन का है। किसका है? HC मोरिसन का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 PF प्रश्नावली है। तो दोस्तों, 16 PF प्रश्नावली जो है वो मनोविज्ञान परीक्षण है, मनोविज्ञान का एक परीक्षण है। इसको दिया किसने था? कैटल ने, रेमंड कैटल द्वारा विकसित 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, जो 16 PF व्यक्तित्व परिसूची के निर्माण और विकास में कारक विश्लेषण विधि के उपयोग को एक अच्छे उदाहरण का प्रतिनिधित्व करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह परीक्षण किसकी तुलना में प्रयोग आता है? तो जो यह परीक्षण है 2 से अधिक चरों में की तुलना में प्रयोग होता है। यानी कि यह परीक्षण का प्रयोग तब किया जाता है जब 2 या 2 से अधिक प्रसारणों अर्थात विचरण मापकों के अंतर की सार्थकता की जांच करनी हो। नेक्स्ट है, लड़कियों की वृद्धि सर्वाधिक तीव्रता से होती है लड़कों की अपेक्षा। कब होती है? 13 से 19 वर्ष की अवस्था में लड़कियों की वृद्धि लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से होती है और 19 से 25 वर्ष में लड़कों की ज़्यादा वृद्धि होती है। तो याद रखिएगा, 13 से 19 वर्ष की आयु किशोरावस्था की आयु होती है जिसमें लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्र होता है। लड़कियों की लंबाई 18 वर्ष तक रुक जाती है जबकि लड़कों की 23 या 25 तक मंद गति से बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कालक्रम के अनुसार उम्र का आशय क्या है? तो कालक्रम जो वर्षों महीनों दिनों में उम्र की गणना की जाती है उसे कहते हैं कालक्रम आयु, यानी कि
क्रोनोलॉजिकल एज, कालक्रम और यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज। जैसा कि मैंने थ्योरी सेशन में अच्छे से बताया हुआ है कि मनोविज्ञानी तथा शरीर रचना विज्ञान के आधार पर मनुष्य की आयु ज्ञात करने के लिए चार प्रकार बताए गए हैं, कालक्रम आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज, एनाटॉमिकल एज यानी शरीर रचना आयु, शारीरिक क्रियात्मक आयु यानी फिजियोलॉजिकल एज एंड मानसिक आयु यानी मेंटल एज। जो कालक्रम आयु होता है, क्रोनोलॉजिकल एज होता है, ये जन्म से लेकर वर्षों महीनों दिनों में मापा जाता है, जिसे कैलेंडर आयु के नाम से जाना जाता है। पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन से पाँच पाँच छः छः क्वेश्चन मैं निकाल रही हूँ, इसलिए आप पूरे मन से वीडियो को देखिए, आपका 100% तैयारी हो जाएगा। कालक्रम आयु को क्रोनोलॉजिकल एज को हम कैलेंडर आयु के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कैलेंडर आयु के नाम से किसे जाना जाता है, तो कालक्रम आयु को। इसको स्कूल तथा मार्कशीट आयु के नाम से भी जाना जाता है, तो कैलेंडर आयु, स्कूल आयु, मार्कशीट आयु के नाम से कौन जाना जाता है, कालक्रम आयु को, क्रोनोलॉजिकल एज को कहा जाता है। दूसरा होता है एनाटॉमिकल एज, शरीर रचना आयु। जैसे कि नाम से ही विदित है कि यह अस्थियों और दांतों की गणना के आधार पर आयु का पता लगाया जाता है, जैसे कि दांतों की गणना करके और इसके प्लस अस्थि के आधार पर। जैसे कि दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें कि एज की गणना के लिए दाहिने हाथ की जो रेडियल बोन होती है उसका प्रयोग हड्डी की आयु ज्ञात की जाती है, इसलिए इससे बोन को, रेडियल बोन को एक्सरे एज के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा होता है शरीर क्रियात्मक आयु यानी कि फिजियोलॉजिकल एज, जो एक युवावस्था आने पर जो हार्मोन चेंजेज होते हैं लड़के लड़कियों में उसके आधार पर लगाया जाता है। एंड चौथा होता है मानसिक आयु, मेंटल एज। मेंटल एज को बालक से उसकी आयु के कार्यों की अपेक्षा की जाती है, यानी कि मान लीजिए एक वर्ष का बालक चार वर्ष की कार्य में सफल होता है तो माना जाएगा कि उसकी मानसिक आयु यानी कि बुद्धि लब्धि ज़्यादा तेज है। अगर चार वर्ष का लड़का दो वर्ष के कार्य में सफल होता है तो माना जाएगा उसकी बुद्धि लब्धि कम है। इस प्रकार बुद्धि लब्धि यानी कि IQ इंटेलिजेंस क्वोटेंट को ज्ञात करने का सूत्र है मानसिक आयु अपान कालक्रमिक आयु गुणे 100। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संदर्भ एस्थेनिक बॉडी टाइप से है। जैसे कि क्रिस्चमन ने चार बॉडी टाइप बताया था, कौन कौन सा, पिकनिक यानी गोलकाय, एथलेटिक यानी सुडोलकाय मजबूत शरीर, एंड एस्थेनिक यानी दुबला पतला शरीर, एंड चौथा बताया था डायसप्लास्टिक, यानी कि इन चारों का, तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि तीनों जो विशेषताएं पाई जाती हैं एक में उसे कहते हैं डायसप्लास्टिक। तो यहाँ पे एस्थेनिक का मतलब होता है पतला छिछले छाती वाला शरीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। और जबकि पिकनिक का मतलब होता है गोल, गोल का यानी कद छोटा, चेहरा गोल, शरीर मोटा, मिलनसार, बहिर्मुखी, विनोद प्रिय, आराम तलब होते हैं, इसको साइक्लोमेटिक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इन्होंने दूसरा दिया था एथलेटिक, जो सुडोल का यानी शरीर बलवान, पेशियां मजबूत, अस्थि पंजे सशक्त, सीधा चौड़ा, शरीर का विकास संतुलित, चुस्त व फुर्तीले, जीवन के प्रति विशाल दृष्टिकोण, समाज के साथ सामंजस्य करने में ये सफल होते हैं। अस्थानिक जो होता है लंबकाय, यह लंबे दुबले पतले यानी कि पतला छिले छाती वाला होते हैं, ये आत्म केंद्रित यानी कि इंट्रोवर्ट होते हैं, स्वप्न दृष्टा, बुद्धिजीवी, शांत, एकांत प्रिय होते हैं। और डायसप्लास्टिक होता है उपरोक्त तीनों का मिश्र होता है, बेलोचदार होता है। और एक है जो सेल्डन, सेल्डन ने तीन बॉडी टाइप बताए थे, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक। इनके एंडोमोर्फिक को गोलकाय यानी कि अंतरंग प्रधान एंड विसरोटोनिक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ये जो की पॉइंट है इन सबको याद रखिएगा, विसरोटोनिक किसे कहा जाता है, एंडोमोर्फिक को, एंड मेसोमोर्फिक को सोमैटोटोनिक भी बोला जाता है यानी कि सुडोलकाय, और एक्टोमोर्फिक को सेरिब्रोटोनिक प्रमस्तिष्क प्रधान भी बोला जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा बुद्धिमान और एकांत प्रिय होते हैं, ज़्यादातर वैज्ञानिक वगैरह इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार मैं एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्रायड को निम्न में से किसी एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है। तो आप सबको पता है सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण सिद्धांत यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी का पिता कहा जाता है। इनके अनुसार व्यक्ति खेल के द्वारा अपनी दबी हुई भावनाओं और इच्छाओं को पूरा करता है।
अन्य खेल सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का बार बार आता है। एंड इसके अलावा अन्य खेल सिद्धांत हैं दोस्तों, जैसे अतिरिक्त शक्ति यानी अविशेष ऊर्जा, जिसे हम सरपल्स एनर्जी थ्योरी कहते हैं, इसको दिया था हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने। एंड भविष्यदर्शी धारणा, पूर्वानुमानित धारणा जिसे पूर्वाभ्यास का धारणा या तत्परता का नाम से भी जाना जाता है, जिसे एंटीसिपेटरी या प्री एक्सरसाइज थ्योरी इंग्लिश में कहते हैं, इसको दिया था कार्ल ग्रूस ने। एंड मनोरंजनात्मक धारणा यानी रिक्रिएशनल थ्योरी दिया था लॉर्ड केम्स एंड G.W. पैट्रिक। एंड पुनः अवलोकन, पुनर्कथन, पुनरावृत्ति या रिकैपिटुलेटरी थ्योरी को दिया था G.A. Stanley Hall ने, जिसमें पूर्व अनुभवों को पुनः अनुभव करना होता है। एंड मनोविश्लेषण सिद्धांत साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रायड ने दिया था। एंड विरेचन यानी रेचन विरेचन सिद्धांत यानी मनोभावों का धारणा का सिद्धांत कैथेटिक थ्योरी दिया था अरस्तु ने। एंड सामाजिक धारणा सोशल थ्योरी भी दिया था अरस्तु ने। एंड खेल ही जीवन है धारणा प्लेज लाइफ थ्योरी दिया था जॉन डेवी ने। एंड संज्ञानात्मक धारणा कॉग्निटिव थ्योरी दिया था जीन पियाजे ने। एंड अहम विस्तार धारणा लैंज ने। एंड सहज प्रवृत्ति धारा वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी दिया था विलियम मैकडूगल ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा के छात्रों को इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि, क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रदर्शन को बढ़ाती है, यह स्वभाव से संबंधित है, यह सीखने में सहायता करती है, खिलाड़ी को उत्साहित करती है। यहाँ पे तो चारों के चारों ऑप्शन आपके सही लगते हैं, बट यह ज़्यादातर इसका उत्तर सही होगा यह व्यवहार से संबंधित है। तो मनोविज्ञान ज़्यादातर आप मनोविज्ञान का क्वेश्चन आए तो व्यवहार की तरफ जाइएगा, स्वभाव की तरफ जाइएगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि खेल मनोविज्ञान प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके द्वारा खिलाड़ियों तथा शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों के विभिन्न स्थितियों में मानसिक अनुभवों तथा व्यवहारों का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है जो व्यक्ति के स्वभाव से संबंधित हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर कौन सी होती है। तो यह काइफोसिस यानी जो कुबड़ा जिसे हम बोलते हैं, ओ विकृति जिसे हम गोल कमर या राउंड बैक भी कहते हैं, ये जो है विकृति लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलता है यानी काइफोसिस। इस विकृति में पीठ बाहर की तरफ पीछे निकल जाती है और छाती का क्षेत्र अधिक चक्राकार हो जाता है जो स्पाइनल के फ्लेक्शन में असामान्य वृद्धि होती है। इस विकृति को राउंड बैक या गोल कमर कहा जाता है। इसे ठीक करने में भुजंगासन चक्रासन ज़्यादा उपयोगी होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकृति दूसरी विकृति के विकास का कारण होती है, अतः नाक नी घुटने जुड़ने का कारण होता है। तो इसमें आपका घुटने जुड़ने का कारण होता है, इसको दोस्तों थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें कंफर्म नहीं हूँ, यानी कि घुटने जुड़ने का कारण होता है। यहाँ पे आंसर दिया है जेनू वलगम, लेकिन कहीं कहीं इसको फ्लैट फुट इसकी विकृति के कारण माना जाता है। नाकनी का क्वेश्चन बार बार यही घुमा घुमा के बिहार स्टेट में दिया हुआ था, नाकनी बाउलेग, नाकनी बाउलेग, नाकनी यानी कि जेनू वलगम जिसमें घुटने सट जाते हैं, एंड बाउलेग यानी जेनू वलम वरम जिसमें घुटने बाहर की तरफ निकल जाते हैं, दोनों में अंतर समझिएगा। तो यहाँ पे नाकनी में घुटने टकरा जाते हैं, सट जाते हैं, तो ये इसका कारण होता है जेनू वलगम, लेकिन यहाँ पे फ्लैट फुट चपटा पाँव पहला सही होना चाहिए, बट यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा खोजिएगा। नाकनी यानी कि घुटने जुड़ने का कारण होता है जेनू वलगम। नाकनी के कारण क्या क्या होते हैं, शिशु को एक साल के अंदर वॉक यानी कि चलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, बाध्य करते हैं इसलिए भी हो सकता है, मोटापा इसका कारण है, चपटा पैर यानी फ्लैट फुट इसका कारण है, अधिक भार उठाना अपने क्षमता से अधिक ये भी इसका कारण है। यहाँ पे दिया हुआ है फ्लैट फुट यानी चपटा तलवा का कारण होता है फॉलन आर्च। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक बनावट सूचक है, जो शारीरिक बनावट है बॉडी कंपोजिशन है ये किसका सूचक है, यह है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का, किसका सूचक है, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी का सूचक है शारीरिक बनावट।
यानी कि शारीरिक बनावट व्यक्तित्व का सूचक है। व्यक्ति की बनावट, उसका व्यवहार, उसका ढंग, उसकी रुचियाँ, उसकी रुझान, उसका सामर्थ्य, उसकी योग्यताएँ, उसके स्तर से व्यक्तित्व की परिभाषा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषा है कि किसने कहा है कि व्यक्तित्व वह है जो एक दी हुई स्थिति में एक व्यक्ति को क्या करना होगा इसकी अनुमति प्रदान करे एवं भविष्यवाणी करे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आरबी कैटल का। यहाँ पे और लोगों की परिभाषाएं दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैटल कहते हैं कि व्यक्तित्व वह पूर्ण घोषणा है जो एक व्यक्ति किसी स्थिति विशेष में क्या करेगा। वॉरेन के अनुसार विकास की किसी स्टेज पर मानव का पूरा मानसिक तंत्र व्यक्तिगत कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। आइसनेक ने कहा है कि व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, समझदारी तथा शरीर जो उसके वातावरण से उसका सामंजस्य स्थापित करता है, उसका स्थायी स्वरूप व्यक्तित्व कहलाता है। आलपोर्ड कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। नेक्स्ट दोस्तों, काइफोसिस विरूपता इसे भी कहते हैं। तो आप सही आंसर टिक कर दिए होंगे। गोल कमर यानी राउंड बैक भी कहा जाता है काइफोसिस को, जो पीछे की ओर जो है स्पाइन के उदरीय क्षेत्र के सामान्य उभरे हुए तल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है अथवा अत्यधिक रूप से वृद्धि, कुबड़ा जिसे कहते हैं काइफोसिस, इसको गोल कमर यानी राउंड बैक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए। तो ये सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्क अवस्था, ये आपका प्रक्रिया चलती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है वृद्धि, विकास, वयस्कता, सीखना, ये चार चीजें दिया गया है। आप अपने सही आंसर इसका लगाइए टिक। वृद्धि, वृद्धि क्या होता है? ये आकार आकृति में वृद्धि होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? वृद्धि का आकार और बनावट में वृद्धि, तो एक का सी हो जाएगा, ठीक है, ए का सी हो जाएगा एंड ए का सी यहाँ पे हो जाएगा। अब विकास, विकास क्या है? जीवन प्रयत्न चलती रहती है। विकास क्या है? जीवन प्रयत्न चलती रहती है। तो जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, जबकि विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। ज़्यादातर गुणात्मक इसमें राइट रहेगा वृद्धि में, विकास में। तो विकास में क्या होगा? परिपक्वता के बाद गुणात्मक परिवर्तन, परिपक्वता के बाद गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि टू का बी होगा। वयस्कता, वयस्कता क्या है? आप एडल्ट हो गए, वयस्क हो गए, तो जितना ही आप वयस्क होंगे आपके अंदर मैच्योरिटी उतना ही अच्छा होगा, आप अच्छे से कोई चीज़ सीखेंगे। तो उच्च परिपक्वता की ओर प्रगति, परिवर्तन होगा वयस्कता का। तो थर्ड का ए होगा। सीखना, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यानी व्यवहार में सुधार की प्रक्रिया ही क्या है? सीखना है। तो फोर का डी हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रायड ने प्रतिपादित किया था, आप सबको पता है, बार बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, साइको एनालिटिक थ्योरी। कौन सा क्वेश्चन राइट है? साइको एनालिटिक थ्योरी यानी कि मनोविश्लेषण सिद्धांत यहाँ पे सही है। यहाँ पे कुछ इनके बारे में दिया गया है दोस्तों, इसको भी पढ़ लेते हैं। सिगमंड फ्रायड ने करीब करीब 40 साल के अपने नैदानिक अनुभवों यानी कि क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के बाद व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी कहा जाता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मानव प्रकृति या स्वभाव, ह्यूमन नेचर के बारे में कुछ मूल परिकल्पनाओं पर आधारित है। नेक्स्ट दोस्तों आ गया 16 PF टेस्ट है, एक बार रिपीट हो चुका है शुरुआत में ही। तो ये क्या है? मनोवैज्ञानिक टेस्ट है, याद रखिएगा। इसमें इसको दिया है 16 PF टेस्ट को कैटल ने। कैटल 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण
कैटल ने कारक विश्लेषण के आधार पर किया है, यानी फैक्टर एनालिसिस के आधार पर। इस प्रश्नावली के कई फॉर्म हैं जिनके द्वारा 17 वर्ष के अधिक आयु वाले व्यक्तियों में 16 सील गुणों यानी ट्रेट्स को मापा जाता है। कैटल ने इन सील गुणों यानी ट्रेट्स में 3 तरह के मुख्य सील गुणों यानी चित्त प्रकृति सील गुण, क्षमता सील गुण, अगत्यात्मक सील गुण का समावेश किया है। इस प्रश्नावली में सम्मिलित किए गए सभी 16 सील गुण द्विध्रुवी यानी बाइपोलर हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है, तो आपको देखना है इसमें कौन सही मैच नहीं है। तो संरचनात्मक आयु यानी कि एनाटॉमिकल एज में अस्थियों दांतों की गणना किया जाता है, अस्थि विच्छेदन दिया हुआ है, राइट है। यहाँ पे कालक्रमिक आयु यानी पंचांग आयु कैलेंडर आयु बोला जाता है, भी राइट है। यहाँ पे मानसिक आयु द्वितीय यौन लक्षण ये आपका सही नहीं है। मानसिक आयु में बुद्धि परीक्षण किया जाता है, मानसिक परीक्षण किया जाता है, तो यहाँ पे तो दो ऑप्शन सही नहीं लग रहा है मेरे को। दैहिक क्रियात्मक आयु बुद्धि परीक्षण नहीं होगा, क्योंकि दैहिक क्रियात्मक यानी फिजियोलॉजिकल एज में जो हार्मोनल इम्बेलेंस होते हैं उनके आधार पर दिया जाता है। यहाँ पे बी और सी दोनों सही नहीं है, बट ऑप्शन केवल सी आपका सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट में पूछा हुआ था, कन्फ्यूजिंग वाले, यानी कि ये होगा ये नहीं होगा। तो यहाँ पे बी और सी दोनों आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं। और मानसिक आयु जो है ज्ञात करने का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख तथा प्यास जैविक आवश्यकताएं हैं, इन्हें यह भी कहते हैं। भूख और प्यास एक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैविक आवश्यकताएं हैं, तो इन्हें यह भी कहते हैं। तो भूख और प्यास क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, इन चारों ऑप्शन में अवयवीय आवश्यकता कहेंगे, क्या कहेंगे, अवयवीय आवश्यकता, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। यानी कि जब व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता महसूस होती है तो ऐसी अवस्था में उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, वह पहले से तनावपूर्ण दिखाई देता है, जैसे भूख की अवस्था आवश्यकता से भूख प्रलोभ, काम की अवस्था से काम प्रलोभ उत्पन्न होता है। एंड नेक्स्ट है, स्पर्धा पूर्व चिंता के कारकों में शामिल नहीं है, यानी कि जब आपका कंपटीशन है उससे पहले आप चिंता करने लग रहे हैं तो इसमें क्या शामिल नहीं है। तो जब स्पर्धा से पूर्व आपको चिंता होता है तो अत्यधिक दैहिक संकीर्णता होता है, आपके शरीर में हलचल होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जीत होगा कि हार होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा, एंड प्रदर्शन प्रवाह नियंत्रण खोना, आपके मन में हलचल होता रहता है, आप अपना नियंत्रण खोने लगते हैं अगर स्पर्धा के पूर्व आप ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ठीक है। और अपराध बोध नहीं आएगा, अपराध बोध तो आपको कंपटीशन के बाद आएगा, नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था ये हो गया, तो ये अपराध बोध आपको कंपटीशन के बाद आएगा, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। एंड जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, यानी कि अपराध बोध एक नैतिक भावना है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है या महसूस करता है या ठीक है या नहीं है कि उन्होंने स्वयं के आचरण के मानकों से समझौता किया है या सार्वभौमिक नैतिक मानकों का उल्लंघन किया है और उस उल्लंघन के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वहन करते हैं। अपराध बोध पश्चाताप, अफसोस, साथ ही शर्म की अवधारणा को से निकटता से संबंधित हैं। इस स्पर्धा से पूर्व चिंता के कारकों में अत्यधिक दैहिक सक्रियता, प्रदर्शन प्रवाह, नियंत्रण खोना, बढ़ी हुई धड़कन, तेज सांस लेना, बेचैनी आदि शामिल है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, पूर्व बाल्यावस्था में एरोबिक अभ्यास से मांसपेशी विकास होता है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में एरोबिक आप अभ्यास कर रहे हैं तो उस समय मांसपेशी विकास कैसा होता है, तो लंबी पतली, पतली लंबी, उपरोक्त सभी यहां पर राइट होगा। यानी कि सभी आयु वृद्धि के साथ की मांसपेशी तथा चरखी की बनावट में भी परिवर्तन होती है, यह बाल्यावस्था के मध्य तक चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक का संपूर्ण विकास करना क्या है, शारीरिक शिक्षा का ध्येय है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, यहाँ पे तीनों आपका होगा उपयुक्त सभी। यहाँ जैसे बिहार स्टेट में आपको पूछा हुआ था दो क्वेश्चन,
सारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, तो वही मतलब होता है सबका सर्वांगीण विकास। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, कंधे का आगे की ओर झुकाव क्या कहलाता है, तो वह राउंड शोल्डर कहलाता है। याद रखिएगा बिहार स्टेट में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं, राउंड शोल्डर, तो यहाँ पे राउंड शोल्डर राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राउंड शोल्डर। याद रखिएगा इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। कंधे का आगे की ओर झुकाव क्या कहलाता है, राउंड शोल्डर कहलाता है, यानी राउंड शोल्डर। विकृति से तो क्वेश्चन अवश्य आता है, एंड एक सेल्डन क्रेस्मर हिपोक्रेटस से अवश्य आता है, जब ये अवश्य आते ही है तो इसको कन्फ्यूजन में मत रखिएगा। तो राउंड शोल्डर, इस विकृति में कंधे स्ट्रेट यानी सीधे न रह करके आगे की तरफ निकल जाते हैं। इस विकृति में निम्न मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, जैसे ट्रेपेजियस हो गया, रोहम्बॉयड हो गया, लिवेटर स्केपुला हो गया, वो इसके लिए हम करेक्टिव एक्सरसाइज क्या करेंगे। देखिए कभी भी ये आएगा कि हम विकृतियों को जैसे काइफोसिस, लॉर्डोसिस, राउंड शोल्डर, फ्लैट फुट, इन सभी को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो उसका बेस्ट ऑप्शन एक्सरसाइज ही है, यानी कि अभ्यास ही है। तो इसलिए आप अभ्यास हमेशा टिक कीजिएगा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा उसको ठीक करने का। तो यहाँ पे वॉल बार्स पर एक्सरसाइज करेंगे, धनुरासन और शवासन करेंगे राउंड शोल्डर के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनोग्राफ कौन सी विकृति का मापन करता है, तो स्पिनोग्राफ जो है स्कोलियोसिस विकृति का मापन करता है। स्कोलियोसिस क्या होता है, ये मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी की एक ओर झुक जाता है, जिसके कारण शोल्डर एक तरफ हो जाता है और कंधा दूसरी तरफ झुक जाता है। इस विकृति को स्पिनोग्राफ पर रोगी को खड़ा करके देखा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो आप जान रहे हैं मैं मनोविज्ञान के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, उसके बाद ये वर्तमान में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, हमेशा व्यवहार की तरफ जाइएगा। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन इसी रूप में करता है जिस रूप में वह घटित होता है, इसलिए मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहलाता है, ये बात कही है मैकडूगल ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के काल 8 वर्ष की आयु को कहा जाता है, तो वृद्धि और विकास के काल 8 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है, आप समझ सकते हैं इसमें कौन सा आंसर, बाल्यावस्था, 0 से 5 वर्ष शैशवावस्था एंड 6 से 11-12 वर्ष तक बाल्यावस्था होता है। तो यहाँ पे बाल्यावस्था आपका राइट होगा, यानी कि 6 से 11 वर्ष को बाल्यावस्था कहा जाता है। इस उम्र में बालक दैहिक क्रियाकलापों को तेजी से सीखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षों, महीनों और दिनों में आयु के रूप में जाना जाता है, तो सही आंसर आप प्रश्न देखते ही टिक कर दिए होंगे, वो होता है कालक्रम आयु, ठीक है, जिसे कैलेंडर एज, स्कूल एज, सर्टिफिकेट एज, मार्कशीट एज भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइफोसिस को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको राउंड बैक यानी कि गोल कमर के नाम से भी जाना जाता है काइफोसिस को। याद रखिएगा इस विकृति में पीठ बाहर की ओर पीछे की ओर निकल जाता है, छाती का क्षेत्र अधिक चक्राकार हो जाता है, जो स्पाइनल के फ्लेक्शन में असामान्य वृद्धि है, इसे राउंड बैक भी कहते हैं। इसके उपचार में भुजंगासन, चक्रासन ज़्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट दोस्तों, वृद्धि कब तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो यह कम से कम आपका प्रौढ़ावस्था तक वृद्धि चलती है, यानी एक निश्चित सीमा तक आकार आकृति में जो परिवर्तन होता है वही आपका वृद्धि होता है। तो ये प्रौढ़ावस्था तक यानी कि 20-22 साल तक आपका चलता रहता है। वृद्धि क्या है, एक जैविक क्रिया है जो एक निश्चित आयु प्रौढ़ावस्था तक मापी जाती है। वृद्धि की सीमाएँ व्यक्ति के अनुवांशिकी द्वारा तय होती है, जबकि विकास जो है वो निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। वृद्धि जो है वो मापात्मक है, इसे मापा जा सकता है, मात्रात्मक है, जबकि जो विकास है वो गुणात्मक है, जिसको मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो पर्सोना शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुखौटा यानी व्यक्तित्व। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।